2021 की तरह साल 2022 भी नए नए शो से भरा हुआ है। जनवरी और फरवरी महीने में बहुत से शोज ने दस्तक दी है, तो वहीं अब मार्च की शुरुआत भी हो चुकी है और आपको बता दें कि मार्च में 8 नए शोज दस्तक देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं उन नए शोज के बारे में और उनकी कहानी के बारे में भी। क्राइम पेट्रोल। सोनी टीवी के सस्पेंस थ्रिलर शो क्राइम पेट्रोल ने कुछ महीने पहले एक ब्रेक लिया था, लेकिन देश में होने वाले गुनाहों के बारे में जानकारी देने वाला ये शो एक बार फिर से अपनी वापसी कर रहा है। 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार को रात 10 बजे ये शो नए नाम यानी कि क्राइम पेट्रोल 2.0 के नाम से टेलीकास्ट होगा। स्पाई बहू। कलर्स टीवी का अपकमिंग फिक्शन शो स्पाई बहू सेजल नाम की एक जासूस और एक युवा लड़के युहान की एक अनोखी प्रेम कहानी है, जिस पर आतंकवादी होने का शक है। ऐसा शक है कि वो लड़का आतंकवादी है। किस्मत से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन आंखों से जो नजर आता है यहाँ उससे कहीं ज्यादा है। सेजल और युहान दोनों ही कुछ छिपा रहे हैं और जोखिम उठाने को तैयार हैं, जिससे उनका रिश्ता या तो बनेगा या फिर बिगड़ेगा। इस कहानी में सेजल की दमदार भूमिका निभाएंगी सना सेई। तो वहीं खूबसूरत नौजवान सहबान अजीम को मिला है कहानी में संदिग्ध आतंकवादी योहान का किरदार। ये शो 14 मार्च से सोमवार से शुक्रवार को कलर्स पर 9 बजे टेलीकास्ट होगा। बन्नी चौंग होम डिलीवरी। स्टार प्लस ने एक नए शो का ऐलान किया है, जो मार्च 2022 में बन्नी चौंग होम डिलीवरी के नाम से टेलीकास्ट होगा, जिसमें एक लड़की है जो फूड डिलीवरी का काम करती है और उसका नाम है बन्नी। बन्नी उन लोगों के लिए घर का खाना बनाती है जो पैसों कमाने के लिए शहर आए हैं। आपको बता दें कि इस शो में लीड रोल में एक्ट्रेस उल्का गुप्ता है और ये शो भी मार्च में टेलीकास्ट होने वाला है। वो तो है अलबेला राजन शाही का नया शो है, जिसमें शाहिर शेख नजर आएंगे। शो में शाहिर कृष्णा नाम के लड़के के किरदार में हैं, जो 3 भाई हैं। कृष्णा का किरदार बहुत अलग है, वो बहुत कूल और मस्त मौला है। अब कैसे एक बिल्कुल बेपरवाह लड़का और उसके बाकी के 2 भाइयों की कहानी आगे बढ़ेगी आपको शो में दिखेगा। ये शो 14 मार्च से स्टार भारत पर नजर आएगा। गुड़ से मीठा इश्क। स्टार प्लस पर जल्द ही गुड़ से मीठा इश्क नाम का नया शो आने वाला है। हालांकि अभी तो इसका प्रोमो सामने नहीं आया, लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही ये शो सामने आ जाएगा। खबर है कि ये शो भी मार्च के अंत तक सामने आ सकता है, जिसमें लीड रोल में पंखुड़ी अवस्थी नजर आ सकती हैं। खबर है कि ये शो ब्लॉकबस्टर फिल्म बर्फी पर आधारित होगा, जिसमें पंखुड़ी अवस्थी के अपोजिट ईशान धवन को कास्ट किया जा चुका है। मिठाई। जी टीवी पर नया शो मिठाई भी ऑन एयर होने वाला है। मिठाई उत्तर प्रदेश के जीतापुर की एक लड़की की कहानी बताती है, जो आलू जलेबी बनाने के अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाकर इस दुनिया भर में मशहूर बनाना चाहती है। जी टीवी के इस आने वाले शो के रंग बिरंगे प्रोमो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहाँ सभी आलू से बनी जलेबियों के अनोखे विचार को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं इस शो का टाइटल ट्रैक भी सबको बहुत पसंद आ रहा है। शो में लीड रोल में एक्ट्रेस दिबतमना शाह है। झुकी झुकी सी नजर। ये झुकी झुकी सी नजर नाम का ये टीवी शो 2 ऐसे लोगों की कहानी है, जिनकी अपनी अपनी निजी समस्याओं के बीच समाज की दिक्कतें भी आना शुरू हो जाती हैं। दिया और अरमान नाम के 2 किरदारों की कहानी में किस्मत का भी अनोखा किरदार है। शो के मुख्य किरदारों के लिए अंकित सीवच और स्वाति राजपूत को साइन किया गया है और ये शो 7 मार्च से शाम 7 बजे के टाइम स्लॉट पर आएगा। धर्म योद्धा करुण। पिछले लंबे वक्त से सब टीवी का ये शो चर्चाओं में है। आपको बता दें कि इस शो में जाने माने एक्टर फैजल खान नजर आएंगे और ये शो धर्म की रक्षा करते हुए गरुण की कहानी को दिखाएगा। ये शो 14 मार्च से शुरू हो रहा है शाम 7 बजे के टाइम स्लॉट पर।